टैली चैप्टर 278। आज के स्टीडियल सेशन में बहुत सारे साथियों की रिक्वेस्ट को पूरा किया गया है। स्टीडियल से रिलेटेड उनकी रिक्वेस्ट थी कि नरेशन से ऊपर एक डिफ़ॉल्ट कस्टम मैसेज की आवश्यकता हमारे साथियों को पड़ती है, तो उसके लिए यहाँ पर एक छोटा सा कोड आपके लिए तैयार किया गया है। आज आपको टीडियल कोड बनाना भी सिखाया जाएगा, साथ ही साथ रेडीमेड कोड के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। अभी जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि नीचे एक ग्रीन कलर की स्ट्रिप चल रही है और वहाँ पर कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है, तो अभी मैं आपको एक बार वाउचर में दिखाऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे इसका कोड काम करता है। मैसेज का कलर, डिज़ाइन, जो भी आप चाहते हैं वो आप चेंज कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। सभी वाउचर्स पर ये एप्लीकेबल होगा। हेलो, और यहाँ पर ऑडियो मैसेज भी है, तो चलिए कोई बात नहीं, आपको टेक्स्ट मैसेज से काम करना सिखाते हैं कैसे काम करेगा। अब इसके लिए आपको सबसे पहले अपना नोटपैड स्टार्ट करना होगा। मैं इस कोड को डिलीट कर देता हूँ ताकि बिल्कुल नया कोड जनरेट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर क्लीन हो गया, अभी हमारे पास कोई भी डिफ़ॉल्ट मैसेज नहीं आ रहा है। प्लेन पर हैं, नोटपैड पर आ जाइए। चलिए तो फिर कोडिंग की शुरुआत करते हैं। तो अब नरेशन की जो लाइन है, उस नरेशन लाइन का एक पर्टिकुलर नाम होता है और हमें नरेशन लाइन से ऊपर एक कस्टम मैसेज डिफ़ॉल्ट शो कराना है सभी वाउचर्स में। ब्रैकेट का इस्तेमाल कीजिए, हैश लगाइए, हैश डिफ़ॉल्ट टीडीएल सेटिंग टैली में बदलाव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप रेगुलर व्यूअर हैं, आपको पता चल गया होगा, और नहीं तो आप हमारे चैनल पर पिछली वीडियोस देख सकते हैं जहां पर सैकड़ों की संख्या में टीडीएल से रिलेटेड आप ही साथियों की रिक्वेस्ट हैं, उन्हें पूरा किया गया है और उनकी वीडियो अपलोड की गई है। आप कोई भी टीडीएल रिक्वेस्ट डाल सकते हैं एक डिटेल्ड एग्जाम्पल के साथ में, हम उसकी भी टीडीएल बना करके आपके साथ में शेयर कर देंगे। तो आप लिस्ट को एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा, वहाँ पर बहुत सारी वीडियो हैं जो आपके लिए हेल्प करेगी टैली पर काम आसान करने के लिए। तो मैं बात कर रहा था हैश के बारे में, अब मैं यहाँ पर पार्ट का चुनाव कर रहा हूँ, कैपिटल या स्मॉल में आप लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें डीबी लाइन का इस्तेमाल करना होगा नरेशन के लिए, तो मैंने डीबी लाइन लिया, राइट, स्पेलिंग सही रखेंगे, डीबी लाइन नरेशन, कैपिटल या स्मॉल में आप इसे मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैंने पहली लाइन ली, अब मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आप फोकस कर पाएँ कंटेंट के ऊपर कि आखिर कहाँ पर क्या लिखा गया है और वो क्या काम करेगा। अब ऐड कर देते हैं, मुझे ऐड करना है, क्या ऐड करना है, मुझे लाइंस को ऐड करना है, क्योंकि जो नरेशन की लाइन है वो ऑलरेडी मेंशनड है यहाँ पर, ठीक है। ये अभी ये स्पीक, हेलो, तो यहाँ रहेगा, तो हेलो मैंने इसलिए जानबूझ करके दिया है ताकि पता चलता रहे कि हम नरेशन पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा लाइंस की आवश्यकता होगी, तो उस लाइन को आप दे सकते हैं। अच्छा, लाइन कहाँ देनी है वो आप डिफाइन कर दो। मैंने जैसे बोला इसको बिफोर, ठीक है, तो बिफोर नरेशन जैसा कि आपने रिक्वेस्ट की थी, तो मैंने इसका नाम दिया कहाँ, किसके बिफोर में, वाउचर नरेशन का जो प्रॉम्प्ट है उसके पहले चाहिए हमें, तो इसको हमें वाउचर NARR प्रॉम्प्ट लेना होगा, ये रहा, ठीक है। अब इसके बाद में उसका एक नाम रख देते हैं, मैंने यहाँ पर इसका नाम रख दिया सी डिफ़ॉल्ट, आप कोई भी नाम ले लीजिएगा। तो ये मेरी एक लाइन जो है वो ऐड हो गई, कहाँ पर ऐड हो गई, आपके वाउचर नरेशन प्रॉम्प्ट से ऊपर, यानी कि बिफोर पहले ऐड कर दी गई है। तो दो लाइनें हमने लिखी, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं ताकि फोकस बना रहेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट में हमें क्या करना है, उसकी डिटेल डालनी होगी कि जो पर्टिकुलर लाइन हमने बनाई है उसका डिस्क्रिप्शन लिखना होगा। तो मैंने लाइन का नाम दिया लाइन, जब आप एक नई लाइन डिफाइन करते हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन ऐसे ही लिखी जाएगी। मैंने एससी डिफॉल्ट लिया, ये रहा,
और अब इसके अंदर मुझे क्या-क्या डिस्प्ले कराना है, मैं वो कंटेंट ले लूँगा इस लाइन के लिए। तो मैंने क्या किया, सबसे पहला काम कि इसकी फील्ड को डिफाइन करते हैं, क्योंकि बिना फील्ड के कंटेंट डिस्प्ले नहीं होगा। तो आप हमेशा लाइन में क्या-क्या चाहते हैं फील्ड डिफाइन कीजिए। मैंने फील्ड को डिफाइन किया, कितनी फील्ड चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और उसका नाम क्या होगा ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं अभी सिंपल फील्ड का चुनाव कर रहा हूँ, ये रहा सिंपल फील्ड, इस पर काम करेंगे और इसी को डिफाइन करेंगे। जब आप किसी फील्ड का नाम चुन लेते हैं तो आप उसको डिफाइन करते हैं लोकल के माध्यम से। मैंने यहाँ पर लोकल दिया, कैपिटल स्मॉल कोई बात नहीं, और आप अपने फील्ड का नाम दीजिए। तो पहले उसका हेडिंग लेते हैं, फील्ड क्या नाम है अपने फील्ड का, ऊपर जो हमने दिया है सिंपल फील्ड, या जो भी नाम आपने ऊपर डिफाइन किया होता। वो छोटा सा कोड है, ज़्यादा नहीं है, अभी आप सीख जाएंगे। और उसमें मुझे क्या कंटेंट चाहिए वो सेटेज से लिख लो या इन्फो से लिख लो। मैंने इन्फो से डाल दिया। इन्फो से क्या डालना है, प्लीज़ एंटर योर मैसेज, ये लिखा मैंने। अच्छा, अभी मैंने इसमें और भी चीज़ें डिफाइन करनी है, वो मैंने अभी डिफाइन नहीं की है। तो पहले मैं इसको सेव कर देता हूँ, टैली पर चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, कभी कभी जब आधा कोड आप बनाते हैं, देखिए आधा कोड बनाया आपने, तो वहाँ पर एरर आने लग जाती है, ऑल्ट कंट्रोल टी, अब वो आपको एरर यहाँ पर बताता रहता है कि भाई जो आपने ये पर्टिकुलर फाइल दी है उसमें डीबी लाइन नरेशन जो है उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो अभी नहीं आ रही है। ठीक है, तो हम उसके डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, पूरी डिटेल लिख देते हैं, तब हम इसको अपलोड करेंगे। इसलिए आधा अधूरा आप इसको अपलोड मत कर देना। ठीक है, तो हमने सबसे ऊपर जो लाइन लिखी वो लिखी यहाँ पर हैश पार्ट, और पार्ट में हमने डिफाइन किया डीबी लाइन, अच्छा सॉरी, यहाँ डीबीएल लाइन, टाइपो करेक्शन आया, और ऑल्ट कंट्रोल टी F4 कंट्रोल A, वो टाइपो करेक्शन की वजह से एरर आ गया। अच्छा, अभी जो आप देख रहे हैं लेफ्ट में वो मैसेज यहाँ पर आ रहा है, प्लीज़ एंटर योर मैसेज, ये आ गया, कोई बात नहीं। अभी इसमें बदलाव करने की आवश्यकता है, जो भी कंटेंट आप इसमें ऐड कर रहे हैं उसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं, उसके डिज़ाइन को चेंज कर देते हैं। कैसे डिज़ाइन चेंज होगा, जो आपने ऊपर लोकल बनाया वही लोकल ले लीजिए, लोकल फील्ड और सिंपल फील्ड ये लिया आपने, और उस सिंपल फील्ड में आपको जैसे स्टाइल लेना है मान लो, तो मैंने कहा स्टाइल, और वो स्टाइल क्या होगा, मैंने कहा लार्ज बोल्ड, थोड़ा सा मुझे डार्क करना है इसको। यहाँ टैली पर F5 रिफ्रेश, वाउचर पहले से डार्क हो गया, ये बोल्ड हो गया आपका कंटेंट। ठीक है, इसी पैटर्न पर आपको और भी बदलाव करते रहने पड़ेंगे। फिर आपको नया लोकल लगाना पड़ेगा, जैसे मैं कुछ और एक लोकल लगा देता हूँ ताकि ये देखने में अच्छे नज़र आए। सो लोकल फील्ड, और मैंने विड्थ दिया, विड्थ में अपने को क्या लेना है, जो 100% स्क्रीन का है हम वही ले लेंगे, ताकि ये पूरा हॉरिजॉन्टिकल फिल हो जाए। कंट्रोल एस, टैली पर गए, F5 वाउचर, और ये देखिए अभी यहाँ पर ये पूरा हो गया, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि अभी इसमें कोई कलर नहीं है, जिसकी वजह से आपको ये पता ही नहीं चल रहा कि पूरी की पूरी स्ट्रिप जो है वो आ चुकी है यहाँ पर। तो उसके लिए आप एक काम करो, पहले इसको सिंपल फील्ड लगा दो, ताकि हम इसको डिफॉल्ट में ले लें, ये रहा सेव। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें हमें बस डिफाइन करना होगा आपके बैकग्राउंड को। सेम लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, टाइम बचेगा हमारा, पेस्ट करते हैं, और ये जो विड्थ के बाद का कंटेंट है इसको रिप्लेस कर देते हैं बैकग्राउंड से।
बैकग्राउंड, और उसका बैकग्राउंड मैंने अभी फ़िलहाल ब्लैक कर दिया है। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट भी ब्लैक है, कंटेंट भी ब्लैक है, तो दिखाई क्या देगा, इसलिए इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं इसे येलो। अच्छा येलो भी छोड़ के रेड पे ले आता हूँ, ठीक है, सेव रखते हैं और चलते हैं अपने टैली पर, थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं। वाउचर यहाँ पर रेड कलर हो गया, टेक्स्ट आ गया आपका, और ये सभी वाउचर्स पर डिस्प्ले होने लग गया क्योंकि हमने वाउचर नरेशन प्रॉम्प्ट के ऊपर लगा दिया है। यहाँ पर क्या कंटेंट आएगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अभी इसको सेंटर लाइन वगैरह आप आसानी से कर लेंगे। उसके लिए बस आपको क्या करना है, सेम कमांड कॉपी कर लीजिए और उसके बाद में अलाइनमेंट डाल दीजिए। जैसे मैंने इसको दिया अलाइनमेंट, यहाँ से पेस्ट किया और इसको अलाइन सेंटर। तो मैंने तो कंटेंट सिर्फ टेक्स्ट डिस्प्ले कराया है, आप चाहें तो कुछ भी डिस्प्ले करा सकते हैं, मुझे बताइएगा और क्या डिस्प्ले आपको कराना है। ये देखिए सेंटर में चल रहा है, अभी फुल विड्थ नहीं लगाई है, फुल विड्थ भी लगा दीजिएगा, थोड़ा वाइड हो जाएगा तो और बेहतर दिखाई देगा। कलर चाहते हैं तो कलर ले लीजिएगा, ये आपकी मर्जी है, ये रहा। और हेलो हेलो, मैंने तो हेलो बता दिया इसको, ये हेलो करता रहेगा बार बार, ठीक है। हेलो तो इस तरीके से आप इसका डिज़ाइन फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, थोड़ा बेसिक कोड आपको आना चाहिए, आप उसमें बदलाव करके मॉडिफाई कर सकते हैं। अब आपको बताना है एक छोटा सा काम, क्योंकि बहुत सारे साथियों ने नरेशन में कुछ और कंटेंट डिस्प्ले कराना है, लेकिन वो क्या डिस्प्ले कराना है वो आप मुझे बताएंगे, तो मैं यहाँ पर आपके लिए एक छोटा सा कोड जनरेट कर दूंगा। किसी को GST नंबर चाहिए, किसी को अमाउंट चाहिए, किसी को डिस्काउंट परसेंटेज चाहिए, तो जो कुछ भी आपको चाहिए उसके लिए आपको डिटेल्ड एग्जाम्पल के साथ में कमेंट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप एक डिफ़ॉल्ट मैसेज डिस्प्ले कराते हैं अपनी टीम के लिए, जब भी वो वाउचर पर एंट्री करेंगे तो उन्हें वो मैसेज दिखाई देगा, वो उसे पढ़ेंगे और उसके बाद में एंट्री कर देंगे। जैसे टुमारो इज़ हॉलीडे और सोल्ड आइटम कैन नॉट बी रिफंडेबल, ये लिख दिया आपने, या डिस्काउंट वैलिड टिल टुडे, ऐसे कोई भी कंटेंट आप वहाँ पर मैसेज में डिस्प्ले करा सकते हैं। चैनल पर जाकर के सैकड़ों की संख्या में जो वीडियो आपको बताई गई है वो देखिए, अपना TDL रिक्वेस्ट कीजिए। और बात करते हैं टैली चैप्टर जस्ट अ मिनट 278 की। तो टैली चैप्टर 278 सक्सेसफुली यहीं पर कंप्लीट हुआ, बढ़ते हैं हम टैली चैप्टर 279 की ओर।